गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आज आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि एलजी का फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसमें पी एरर आपको दिख रहा है, मैं एक बार ऑफ करके ऑन करके दिखाता हूं आपको। एरर पे आप गौर करेंगे, पी एरर आ रहा है। ये एरर प्रेशर सेंसर से होता है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रेशर सेंसर लगा होता है जो प्रेशर को सेंस करके पीसीबी को सिग्नल देता है और पीसीबी उसी हिसाब से आगे वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं नया प्रेशर सेंसर डाल के देख चुका हूँ, ठीक है, पर उससे ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब आपको बताऊंगा कि आगे आपको क्या स्टेप लेने हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट आप पीसीबी खरीदने चले जाएं, पीसीबी बदल दें, ऐसा आपको नहीं करना। हो सकता है बीच में कहीं तार कटा हुआ हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको चेक कैसे करें, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रेशर सेंसर को टेस्ट कैसे किया जाता है। तो देख पा रहे हैं आप, तीन लेग बना हुआ है, ठीक है। एक तीन लेग जो आपका बना हुआ है, ठीक है। इस तीनों में से ये दोनों एक क्वाइल से कनेक्ट होता है, ठीक है, और इस पिन से एक कैपेसिटर यहाँ और फिर इस पिन से एक कैपेसिटर यहाँ, इस तरह जुड़ के एक दो तीन लेग इसके होते हैं। तो जब भी आप इसको टेस्ट करें तो सिर्फ इस दोनों पॉइंट का कंटिन्यूटी को आप चार्ज करें। कंटिन्यूटी लगभग वही आपको 25 प्लस आना चाहिए, यानी 25 से 45 तक भी आता है तो ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मल्टीमीटर को आप गौर करिए। मल्टीमीटर पे मैं आपको वीडियो पहले ही दे चुका हूँ। अगर आप मल्टीमीटर ऑपरेट करने में आपको दिक्कत होता है तो आप एक वीडियो है जो जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। देखिए, ये दोनों पिन पे 23 ओम का रेजिस्टेंस बता रहा है। इसका मतलब ये प्रेशर सेंसर ठीक है और नया जो प्रेशर सेंसर है, दोनों ठीक है। प्रेशर सेंसर कोई भी आप लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए, मैं जो अभी लगा रहा हूँ ये भी ठीक है, 34 ओम, दोनों का दोनों ठीक है, आप कोई लगा सकते हैं, ठीक है। और जो ऊपर जो एडजस्ट करने के लिए नॉब दिया हुआ है, ये कंपनी फिक्स करके दिया होता है, ठीक है। आपको इसको ट्यून करने का जरूरत नहीं है, आप इसको इतना ही पे फिक्स कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, पीसीबी खोलना है, ठीक है। पीसीबी खोलने के लिए आप स्क्रू, यहां से इसको कैप हटा के स्क्रू आप रिमूव कर दें, उसके बाद किसी साइड इधर या इधर, ठीक है, उसको स्लाइड करके। तो मेरे केस में इधर स्लाइड करने से खुल रहा है, हो सकता है आपके केसेस में इधर या अपवर्ड या बैकवर्ड किसी तरह खुले। आप अपना मॉडल के हिसाब से डिसअसेंबलिंग का वीडियो देख के आप खोल सकते हो उसको आसानी से। जैसे देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तार बुरी तरह से कटा हुआ है, ठीक है, चूहा के द्वारा, ठीक है, ये काट दिया गया है पूरा तार, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस जैक को रिमूव करिए यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से तार कट जाने के कारण प्रेशर सेंसर के पास सही वोल्टेज, ठीक है, सही वोल्टेज और सिग्नल नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते प्रेशर सेंसर वर्क नहीं कर पा रहा था। तो आपको क्या करना है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। आपको पहले तीन पिन से सप्लाई मिल रही है, ठीक है, तीन पिन से तार कटा हुआ, तीनों पिन से ये जो तार कटा हुआ है तीन पिन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक दो तीन, आपको इसी तीन पिन से सप्लाई को लेना है और जाके प्रेशर सेंसर पे लगा देना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, पहले ऑरेंज है, व्हाइट है, ब्लू है, और जो जो वायर जिस कलर का तार यहाँ पे जहां पे जुड़ा वहां जोड़ना है, और प्रेशर सेंसर के पास जिस पॉइंट पे जो कलर जुड़ा हुआ होगा वही कलर आपको जोड़ना है, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन ना, उसके लिए आप पहले इसका फोटो ले सकते हैं। तो आप इसके लिए सबसे बेहतर आपके लिए तार रहेगा, आप किसी भी फोन का डाटा केबल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आज यहाँ ये डाटा केबल लगा रहा हूँ, डाटा केबल की लंबाई भी काफी है, आराम से पीसीबी से प्रेशर सेंसर तक आसानी से चली जाएगी। और इसमें चार तार होते हैं, ठीक है, चार तार होते हैं, तो आपको काट के तीन का यूज लेना है, एक को आप छोड़ सकते हैं या फिर आपके ऊपर है, आप किसी तार को डबल कर सकते हैं। तो मैं तीन तार का ही हेल्प लूंगा, एक तार को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, ठीक है। तो इसको काट के मैं फिर आपको दिखाता हूं। इससे आपको फायदा क्या होगा, अगर चूहा काटता भी है तो एक कवर आपको मिल जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट तार नहीं कटेगा, ठीक है। देखिए, इसमें आपको चार वायर है, ठीक है, एक दो तीन,
तो मैं क्या करता हूँ, कोई एक तार जैसे इसमें मैं ग्रीन को छोड़ देता हूँ, यहाँ पे ग्रीन को छोड़ देता हूँ, इस तीनों का हेल्प लेके कनेक्शन को आगे भेजा जाएगा। फर्स्ट के तीनों पॉइंट पे आप सबसे पहले पेस्ट लगाइए, अच्छे से पेस्ट लगाइए और सोल्डिंग आपको मजबूत करना है ताकि ये वर्क करता है। वॉशिंग मशीन जब वर्क करता है तो इसमें वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन से आपका लूज जो भी वायर है वो टूटे नहीं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे तीनों पे आप पहले अच्छे से इसको इस पर रांगा लगाइए ताकि आपको तार जोड़ने में सहूलियत हो। जब लगेगा आपको रांगा अच्छे से लग चुका है तो अब जो भी आप वायर कनेक्ट करने वाले हैं उस वायर में पेस्ट लगाइए, उसके बाद उस वायर पे भी रांगा लगाइए। ऐसा करने से आप मजबूत सोल्डिंग कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपको किसी एक साइड से करते आना है, जैसे मैंने ब्लैक जोड़ा पहले, फिर व्हाइट, और ध्यान रहे तार को इतना बड़ा भी आप ना छीलिए ताकि ये सो तार है एक दूसरे में कनेक्ट हो जाए, ठीक है। इसलिए आपको छोटा छोटा छीलना है ताकि दोनों तीनों तार जो है आपस में, कोई दो तार आपस में सटे नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हो जाने के बाद, ठीक है, जब तार अच्छे से ज्वाइंट हो जाए तो आप इसको इतना काट के हटा दीजिए, ठीक है, इतना काट के हटा सकते हैं आप। बाकी का आपको ताकि जितना पॉइंट में तार नहीं है वो आपको ऐसे कुछ हद तक सेफ हो जाए, वहाँ पे पानी वानी कभी जाने का चांसेस ना बने, ठीक है। इसको लगा दीजिए और ये जो गैप बच रहा है, इस गैप में कोई भी ग्लू जो आपके पास अवेलेबल हो, ध्यान रहे फेविक्विक ना लगाना है आपको, फेविक्विक बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, फिर बाद में आपको काम करने में दिक्कत होगा। देखिए इतने अच्छे से लगा दीजिए, ऐसा ग्लू लगाइए आप जो कि थोड़ा नॉर्मल रहे, बहुत हार्ड भी नहीं हो, ठीक है, और जब भी जरूरत पड़े आगे आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं हल्का फुल्का हीट करके या फिर कोई भी अलग से लिक्विड डाल के, ठीक है। या इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इस पीसीबी वाले ये तार को हम काट के हटा सकते हैं, पुराना वाला जो भी तार है आप यहाँ से काट के हटा सकते हैं, काट दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। संभव हो तो यहाँ पे आप एक टेप लगा सकते हैं, वैसे कुछ खास जरूरत है नहीं उसका वहां पे, ठीक है, फिर भी मैं आपको टेप लगा देता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसी तार के साथ साथ, मतलब ये जो तार आया हुआ है इसी तार के साथ साथ आपको इधर ले जाना है इसको, ठीक है। तो पहले आप क्या करें, आराम से इसको अंदर डाल दीजिए, ठीक है, और उसके बाद इसी साथ में आप इसको यहाँ पे भी टेपिंग कर दीजिए ताकि उधर से खींचने पर सिर्फ ये तार पर जोड़ ना पड़े और ये तार आपका टूटे नहीं। यहाँ पे आप हेवी टेपिंग कीजिए, उसके बाद फिर से आप इसको जैसे पानी लगा हुआ था इसे लगा के थोड़ा सा इधर स्लाइड कर दें, कस सकते हैं आप, लेकिन मैं एक बार चेक करके इसको स्क्रू लगाऊंगा। यहाँ क्लियर हो जाने के बाद, ठीक है, आप यहाँ से खोल के यहाँ से या फिर ऐसे भी यहाँ से ये जो तार है, ठीक है, नीचे लॉक दिया हुआ है, ठीक है, नीचे देखिए ये सब लॉक जो दिया हुआ है, सब लॉक में फंसाते हुए आपको तार को वहां तक लाना है, ठीक है। तार पूरा परफेक्ट है, हाँ। अब इलाहाबाद प्रेशर सेंसर लगाने का, तो उसमें कुछ नहीं, ये तीन तार जुड़ते हैं और एक पाइप लगा होता है जो प्रेशर यहां तक पहुंचाता है, ठीक है। तो आप प्रेशर सेंसर को लगा सकते हैं अच्छे से, पाइप लगा के इसको टाइट जरूर कर दें ताकि अपने से निकले नहीं कभी। उसके बाद ये तीन तार अभी यहाँ आपको जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए पहले इसमें लॉक दिया हुआ था, पर ये लॉक काफी कमजोर होने के कारण
टूट चुका है। तो लॉक नहीं लगा के आप लॉक कहाँ खोजेंगे मार्केट में, मिलना बहुत मुश्किल है। सबसे सरल उपाय है आप इसको सोल्डिंग कर दें, ठीक है। तो किस तार को कहाँ सोल्डिंग करना है मैं आपको बताता हूँ, इसको आप काट सकते हैं। इधर भी आपको वही करना है, तार पे आप पहले से धागा लगा दे रहे हैं, इसका मतलब रहेगा कि तार आपका अच्छे से सोल्डिंग होगा, ठीक है। ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सेम चीज यहाँ करना है, ठीक है। इसके तीनों पॉइंट पे कनेक्टर होता तो आपको बहुत आसान, आपके पास कनेक्टर है तो आप कनेक्टर लगा सकते हैं, नहीं है तो आपके लिए ये उपाय बेस्ट है, ठीक है। अब क्या करना है, आप ये तार आप काट के हटा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे थे उधर कनेक्शन हटा, यहीं पे मैं काट देता हूँ ताकि टेपिंग करने में सहूलियत हो, मैं यहीं पे टेप कर दूंगा। हल्का सा टेपिंग करें आप, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है टेप का। तो कुछ लोग बताने लगते हैं कि यहाँ पे टेप कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ, वहां पे कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप बिल्कुल काट के हटा दीजिए, निफिक्र हो, आपको कोई जरूरत नहीं इसको इतना रखने का। ठीक है, आपको जो चीज बताया जा रहा है आप उस पर फोकस करें तो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको बैठा दीजिए, आप कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे बैठा देना, ठीक है। अच्छे से बैठा दीजिए, ये घाट पे बना हुआ देखिए लॉक यहाँ पे है ना, देखिए ये अभी नहीं बैठा हुआ, ठीक है। इस मूव कर रहा है कुछ नहीं लाना, इसको लाके यहाँ पे बस हो गया, ये अपने पोजिशन पे आ गया। अब इसका पॉइंट इधर है, किसी किसी का पॉइंट इधर था, ठीक है। तो पॉइंट से मतलब नहीं है, आपको बस कनेक्शन देखना रहता है। व्हाइट वाला आप बीच में कर दीजिए, ऑरेंज जो था आपका यहाँ था, ठीक है, व्हाइट आप बीच वाले पे दे दीजिए। ब्लैक वाला आप अच्छे से जोड़े, ठीक है। तीनों तार देख पा रहे हैं आप, अच्छे से जुड़ चुका है, ठीक है, ठीक है। लूज नहीं होना चाहिए क्योंकि वाइब्रेट करेगा तो तार टूट सकता है। ये हो गया, अब देखिए कोई भी तार कटा वटा आप देख लें, कटा वटा हो तो आप टेपिंग कर लें, ठीक है। मैं फिर से आपको तुरंत चेक करके दिखाता हूँ, वीडियो 100% जेन्युइन है, आप ऐसा नहीं लगे आपको भी फेक है। फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमको बताइए, मैं आपको जरूर रिप्ले करूंगा। देखिए यहाँ पे आप गौर करिए, देखिए क्या होता है। काफी है, इतना देर में आपको एरर दे रहा था पर अभी एरर नहीं दे रहा है, ठीक है, ठीक है। देख पा रहे हैं मशीन वर्क करने लगा है, तो ये सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद आपको भरोसा नहीं होगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्नीशियन द्वारा लगभग 4,500 से 5,000 का डिमांड किया गया था, और हमको जहां तक लग रहा है इसमें केबल के सिवा और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगा है, ठीक है। तो आप खुद से करके अपने हजारों रुपए बचा सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर इसी टाइप के वीडियो आपको चाहते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़े भी इंटरेस्टेड हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।